हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग एसके खान व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं चैनल करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो जी हाँ, शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अपने लिए एप्पल काट के रखे हुए थे और सनी ले आया था कुछ चिप्स। और ये देखें, ये इसके नाटक तो देखें आप, इसके नाटक तो देखें। ये कह रही है मुझे ना गोदी में बिठा के रखो, बस मुझसे बातें करो, अदरवाइज ये रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखे मुझे बना दिया, वीडियो बना दिया, रो रही है। ओए ओए ओए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि ये देखें, ये मामा लाई थी सदर से, क्योंकि वहाँ से जो है ना एम्प्रेस मार्केट, या तो एम्प्रेस मार्केट से ये लाई थी, तो वहाँ से ये बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें मिल गया था। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना हम एक साथ ये लेकर जाएँ, लहसुन और जिंजर। तो ये लेकर आई थी मामा कुछ मसाले, और आप लोग अगर नज़दीक हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता होगा इन सब चीज़ों का, और जैसे हम जैसे दूर हैं वहाँ से तो उनको, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो डबल प्राइस में जो है वो चीज़ें मसाला जात जो हैं वो बिक रहे हैं ज़्यादा कीमत में। तो आप लोग जब भी जाएँ तो एक साथ ये इस तरह के ड्राई मसाला जात वहाँ से ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। भले आप दूर से जाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप लेकर आया करें लाजमी, क्योंकि इतना देखें ना, यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई आजकल कराची में, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, कराची की बात नहीं कर रही मैं, पूरे पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई। तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए, वो भी एक इकट्ठी एक साथ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी राइस, तो कुछ आलू पड़े हुए थे, मैंने आलू निकाल लिए कुछ, और इसके अलावा जो है ना दो अनियन ले लिए, कुछ हरी मिर्ची ले लिए, और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं दो अदद लेमन, क्योंकि ये तो हाफ है ना, तो ये मैंने ना सुबह अपने नीम गरम लेग वर्म वाटर के साथ जो है ना इसके चंद कतरे मैंने मिक्स करके इसमें वेट लॉस के लिए पिए थे, तो इसका काफ़ी खट्टा टेस्ट आया था, और यकीन माने बहुत अजीब सा टेस्ट था, पीने का दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन पी लिया फिर भी। और ये राइस है हमारे पास, तो अभी मैं मसाला ग्राइंड करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। यहाँ पे मसाला मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, और अनियन को भी मैंने धोकर काट लिया है, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने ऑयल रख दिया है इसके ऊपर। ऑयल बहुत ज़्यादा कम डाला है मैंने, क्योंकि ऑयल कम ही खाएँ तो बेहतर है आपकी सेहत के लिए। तो इसमें अब मैं डालूँगी अनियन। तो मैंने यहाँ पे आलूओं को इस तरह कट कर लिया है, इतनी मैंने इसकी मोटाई रखी है ताकि ये जल्दी से गल जाए और जल्दी जल्दी हमारा खाना बन के रेडी हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको इतना काटा है। और इतने आलू बहुत हैं, काफ़ी हैं राइस में ना। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि अगर आप एक चीज़ लिमिटेड वे में खाएंगे ना तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, अगर आप अनलिमिटेड खाएंगे ना, रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, या तीन चार दिन छोड़कर या दो दिन छोड़कर खाते हैं, इस तरह खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप लिमिट में खाएं तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे ऐड कर दूँगी मैं, तो साथ ही मैं इसमें लेमन स्क्वीज कर दूँगी। मैंने टमाटर प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल चुकी हूँ मैं, ये देखें टमाटर का पेस्ट बना लिया, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसके अलावा लेमन भी डाल दिया है। अब नमक और मिर्च डालूँगी, इसके बाद आलू को डालूँगी फ्राई अच्छे से, और फिर हमारी डिश जो है, डिश नहीं यार, हमारे राइस जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो आलुओं को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मिर्ची हो गई है तेज़, तो इसलिए मैं अब इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं करूँगी, तो इसके बाद जो है अभी मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने किचन पूरा नीट कर लिया है, तो देखिए कितना साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन किचन हमारा लग रहा है इस वक्त। बर्तन जो थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, तो यूं ही हमारे साथ बने रहें वीडियो में आप। तो यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका है, और आप यकीन माने इतने टेस्टी बने हैं ना राइस, क्योंकि मैंने ना इस जब तड़का था ना इसका बन रहा, तो इसके अंदर मैंने ना लेमन ऐड कर दिया था, तो साथ ही मैंने आलू ऐड कर दिए थे, तो उसकी वजह से जो है ना टेस्ट लेमन का इतना अच्छा इन्हेंस हो रहा है ना, इतना मज़े का टेस्ट आ रहा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे बैठी हुई है ना और एंजल, एंजल अपना पढ़ रही है बुक के साथ, बुक के साथ फ़ोन चला रही है दरअसल फ़ोन चला रही है दरअसल
अच्छा वो देखें यार इतना अंधेरा हो रहा है ना यहाँ पे क्योंकि लाइट गई हुई है और है ना बिल्कुल ब्लैक लग रही है ब्लैक लग रही है। तो यहाँ पे आना हमें गाना सुनाएगी अंदर क्योंकि था अंधेरा लाइट गई हुई है ना इस वजह से फिर मैंने आना खोला है ना तो बाहर आ जा। तो चलो शुरू करो। तेरा हूँ मैं मेरी हर सांसे तेरा नाम ले बहकी बहकी ने काहे ढूंढे तेरे रास्ते आती है तो ले जाती मेरी हर शिकायते तेरी से बहती है वो चलती शान से हट के कातिल तेरा है कातिल हर अदा दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात आती है मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत आजमाती है किसी की बातों से किसी की आंखों से किसी की चाहत से किसी की आदत से। तो यहीं पे हम इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।